सबसे पहले फिक्र एक ऐसे खतरे की जिसकी दस्तक आपके घर तक या तो पहुंच चुकी है या पहुंच सकती है। हम बात फटाफट लोन ऐप की कर रहे हैं और उसके जानलेवा खतरे की। हम पिछले कई हफ्तों से इंस्टेंट लोन ऐप के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये एक ऐसा चाइनीज जाल है जिसमें फंसकर लोग या तो खुदकुशी कर ले रहे हैं या फिर लाखों रुपए गवा देते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार आपको अलर्ट कर रहा है कि झटपट लोन के झांसे में बिल्कुल ना पड़े। इंस्टेंट लोन दिलाने के नाम पर इस वक्त प्ले स्टोर पर हजारों ऐप हैं जो आपको महज 2 मिनट में पैसा देने का दावा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद रिकवरी के लिए आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग फांसी का फंदा गले से लगा लेते हैं। यह ठगी का बहुत बड़ा कुचक है जो देश में दिन दुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और यह साजिश कितनी सोची समझी है यह समझने के लिए आज हम आपके सामने अपने एक साथी का रियलिटी टेस्ट लेकर आए हैं। यह टीवी 9 भारतवर्ष के हमारे एक साथी का भुगता हुआ दर्द है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये गालियां देते हैं गंदी गंदी फोन लगा के, ये इनका बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। हेलो हेलो, हाँ जी, पेमेंट नहीं करना था तो लोन लेके आसान क्यों कर दिया हमारे ऊपर, ये बताइए आप। मैडम मैं जा रहे हैं, ग्यारह बजे तक करो, 12 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, नहीं तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट को कॉल करेंगे। पहले तो आप हमसे बात कीजिए, पेमेंट के लिए मैंने कभी मना नहीं। थ्रेटनिंग कॉल, डेली मैसेजेस, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेक FIR करने की धमकी। अगर आप भी अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए झटपट लोन की सोच रहे हैं तो पहले इनकी आप बीती जरूर सुनिए। फटाफट पैसे लेने के नाम पर ये ऐसे फंसे कि जिंदगी जहन्नुम बन गई। पर्सनल कॉन्टैक्ट से जुड़े लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह अपमान का जहर पीना पड़ा। इंस्टेंट लोन ऐप के रिकवरी एजेंट ने चंद हजार रुपए लोन देकर वसूली के लिए हर हथकंडे अपना लिए और इसके शिकार हुए टीवी 9 भारतवर्ष के सीनियर कैमरामैन अशोक कुमार। हेलो हेलो, हाँ जी, सर ये बताइए पेमेंट नहीं करना था तो लोन लेके आसान क्यों कर दिया हमारे ऊपर, ये बताइए आप। मैडम मैं जा रहे हैं, पेमेंट के लिए रखा है आपने। मैडम सुनिए, आप पहले तो आप हमसे बात कीजिए, पेमेंट के लिए मैंने कभी मना नहीं। आपने क्या बोला, आपकी पेमेंट। पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार आपको ये दिखाते रहे हैं और अब ये मामला टीवी 9 भारतवर्ष तक पहुंच गया है, ये आपके घर तक पहुंच गया है। अगर आप अभी अलर्ट होते हैं तो बच सकते हैं। अशोक कुमार टीवी 9 भारतवर्ष के सीनियर कैमरामैन हैं। पिछले कुछ दिनों पहले इमरजेंसी में कुछ पैसे इंस्टेंट लोन ऐप मनी बॉक्स से लिए, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ठगी का ऐसा खेल आपने पहले नहीं देखा होगा। सर ये बताइए पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप, ये पेमेंट मैं अपने फ्रेंड से कराऊंगा, आप मुझे लिंक दीजिए और उसमें आपसे मेरी मैंने कितने आपसे पैसे लिए थे। मैंने सर आपको जो टोटल अमाउंट है वो आपका 7490 रुपीज पेमेंट करनी है आपको। बट मैं वो तो कह रहा हूँ आपने मुझे 5000 दिए तो 7490 रुपीज कैसे हो गया। वही चीज बोली थी ना मैंने आपको, वही चीज समझाया लोन के नाम पर ठगी के आपने अब तक कई मामले सुने होंगे, लेकिन चाइनीज ऐप वाले ठगों का ये मकड़जाल जानलेवा है। क्योंकि अशोक को पैसे 7 दिनों में चुकाने थे, लेकिन 5वें दिन से ही उनको पैसे की देनदारी के लिए फोन आने शुरू हो गए। अशोक के कॉन्टैक्ट लिस्ट से सभी नाम और नंबर निकाल लिए गए। हम आपको वो नाम और लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसे चाइनीज ऐप वाले ठगों ने अशोक के व्हाट्सएप पर शेयर किया और सभी को फोन करने की धमकी दी। धमकी ही नहीं दी बल्कि रिश्तेदारों और जानने वालों को फोन करने शुरू कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के नाम से फर्जी लीगल नोटिस भेजे गए और उसमें गिरफ्तारी के साथ ही सिविल स्कोर को बर्बाद करने की धमकी दी गई। हद तो तब हो गई जब कानून से बेखौफ ठगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कानूनी वसूली टीम घर भेजने की बात की। अशोक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। रोज नई नई नंबरों से कॉल आती, नई नई नंबरों से मैसेज आते और मुझे परेशान किया जाता था। मैं हार थक के बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने उनको जो उनका जो पैसा मेरे अकाउंट में आया था मैंने उनको 5300+ रुपये पे कर चुका था। उसके बाद भी मेरे से कहते हैं 20,000 रुपये और दो, 15,000 रुपये और दो। मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया था। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, उनको लास्ट में बोला नहीं भाई मैं आपके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा दूंगा।
या तो मुझे ट्रेड करना बंद कर दीजिए। अशोक ऐसे पहले शख्स नहीं है जो इंस्टेंट लोन के ठगी का शिकार हुए। ये लिस्ट हजारों में है, जान देने वाले लोग दर्जनों में हैं। अब कई राज्यों की पुलिस ऐसे मामलों की अलग अलग जांच कर रही है, जिसमें ज्यादातर के पीछे चीन की कंपनियां हैं जो फर्जी नाम और डायरेक्टर के साथ लोगों को शिकार बना रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।